आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह चौथे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा लेकिन चुनाव प्रचार थमने से पूर्व हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि जो चौथे चरण के पांच सीटें हैं उस पर कौन कहाँ जीत रहा है हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन सो वो सीटें हैं जो जहाँ पर जोरदार मुकाबला एन और महागठबंधन के बीच में होने जा रहा है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं सर आज चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा चौथे चरण का एक एक सीट करके हम लोग चर्चा रखेंगे कौन सा सीट पर क्या स्थिति है कौन कहाँ भारी पड़ रहा है और कौन सा सीट पर काटे की टक्कर है देखिए निश्चित रूप से जो तेरह मई को मतदान होना है चौथे चरण के लिए उसमें हम पहले सीट बता देते हैं कौन सी पांच सीटें हैं दरभंगा हो गया उजियारपुर हो गया समस्तीपुर है बेगूसराय है और मुंगेर लोकसभा है तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको जो पांच जो सीट है चौथे चरण का उसमें सभी सीट जो है सो इसमें अपने आप में सबका महत्व है सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात है इसमें एक सीट हॉट सीट आपको हम लोग समझते हैं वह सीट है उजियारपुर लोकसभा सीट जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में है तो लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें दरभंगा लोकसभा की दरभंगा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है सो फिर से गोपाल जी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है गोपाल और उनके सामने ललित यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा ग्रामीण से एम हैं और कई बार जीतते रहे हैं ललित यादव तो उन पर दाव खेला है इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने और वहाँ पर पांच जो है सो छः विधानसभा सीट है दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जिस पर पांच पांच पर कब्ज़ा एनडीए का है एक पर महागठबंधन का है इस इस तरह इस लिहाज से आप देखिएगा कि और वह सीट जो एक सीट जो दरभंगा में जो लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी का कब्जा है उस पर इंडिया ब्लॉक का महागठबंधन का उस पर ललित यादव जो खुद स्वयं उम्मीदवार हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से उन्हीं वही जो है सो दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव एम है हैं और वही जो है सो इस बार उम्मीदवार भी हैं आर से सबसे बड़ी बात है देखिए तमाम दल जो है सो ताकत झोंक दिया है इसमें आप देखिए कि मल्लिका अर्जुन खड़गे का भी प्रोग्राम लगा है वह भी जो है सो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तेजस्वी यादव ने तो पूरा ही समझिए कि एकदम और उनके साथ में सन ऑफ मल्लाह जो विकासशील इंसान पार्टी के अलायंस है घटक दल हैं वह जो है सो पूरी ताकत उसमें झोंक दिया है तो वो एक और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एन की ओर से भी कमोबेश सारे जो दिग्गज नेता हैं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में लेकिन सवाल यह है कि एन डी है दरभंगा में एक महागठबंधन है और गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी है प्रधानमंत्री भी दरभंगा में आकर सभा किये वही, की वही देखिए प्रधानमंत्री की दरभंगा में सभा के बाद से ही थोड़ा माहौल बदला है वहाँ लेकिन एक बात और समझिए कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी दरभंगा लोकसभा सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के अभी एमएलसी हैं पूर्व मंत्री भी रहे हैं कदावर नेता हैं वह भी लड़ चुके हैं दरभंगा से और इन्हीं गोपाल जी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार सिटिंग सांसद हैं उनसे ही अब्दुल बारी सिद्दीकी की करारी हार हुई थी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में तो लालू प्रसाद यादव इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने एम और वाई एम कहने का मतलब अब्दुल बारी सिद्दीकी को पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उतार दिया इस बार वाई की बात है तो अब इस बार ललित यादव को उतार दिया यादव तो हम ये बताना चाह रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों को कि दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने दोनों अपना जो उसका कोर वोट है जिस पर वह ट्रस्ट करता है उस वोट का को वहाँ पर मिजाज जानने के लिए नापने के लिए दोनों लोकसभा क्षेत्र में और ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ से जीती पिछले लोकसभा में और इस बार निश्चित रूप से कांटे का टक्कर है जितना जितनी बात तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी नौकरी और बेरोजगारी और पलायन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बार दरभंगा सीट पर कांटे का मुकाबला है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गोपाल जी ठाकुर की वहाँ से विजय पताका लहराएगी एक बहुत कड़ा बहुत कड़ा मुकाबला है दरभंगा सीट पर अब हम लोग जबकि आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली हुई उसके बाद से कुछ समा और फिजा बदला है वहाँ पर फिर भी वहाँ पर मुकाबला कांटे का है अब हम बात करते हैं उजियारपुर लोकसभा सीट की जो हॉट सीट है बिहार का है निश्चित रूप से हॉट सीट है पूरे देश की नज़र है और अमित शाह पिछले दिनों दर मैंने उजियारपुर लोकसभा सीट से प्रचार भी किया था नित्यानंद राय के लिए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के लगातार दो बार से सांसद रहे हैं और इस बार हैट्रिक लगाने के लिए हैं तो ये जो अमित शाह जो आए थे गृह राज्य मंत्री उन्होंने कहा उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा इस बार ओपन की देखिए कोरोना कालखंड था तो कोरोना कालखंड में जब सब लोग घर में थे रहते थे तो नित्यानंद राय ही एक ऐसे आदमी थे जो 24 फोर इंटू सेवन जो है सो कंट्रोल रूम को संभाले संभाले हुए थे तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही अमित शाह ने नित्यानंद राय के सभा वाले मंच से यह भी कहा कि आप लोग अगर नित्यानंद राय को जिता जिता दो बड़ा आदमी बनाना मेरा काम है बिल्कुल और बड़ा बड़ा आदमी नहीं और बड़ा आदमी बनाएंगे तो यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से नित्यानंद राय पर सबकी नज़र लगी हुई है और वहाँ पर देखिए उजियारपुर में एक बात है कि वहाँ का जो जादव जो कॉम्बिनेशन है एम वाई समीकरण की जो बात करते हैं तो वहाँ पर जो जादव वो, वोट है उसमें एक नित्यानंद राय खुद जादव समाज से हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से जादव समाज में एक बड़ा जो है सो डेंट जो है सो लगता हुआ हम लोग को दिखाई पड़ा एक धमौन गाँव है वहाँ का उजियारपुर लोकसभा से सीट पर क्षेत्र में तो वहाँ पर जो न्यूज़ फॉर्नेशन की जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड जीरो से धमौन गांव में निश्चित रूप से वहाँ पर जो जादव का जो वोट है वह जो सो डिवीज़न हुआ बड़ा टूट हुआ है और धमौन गांव के लोग विकास को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नित्यानंद राय जीतेंगे तो जीतते हैं तो जीतेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र में एक बड़ी जिम्मेवारी इस बार और मिलेगी पहले तो तो गृह राज्य मंत्री हैं लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने भरी जनसभा में कहा कि हम इनको और बड़ी जिम्मेदारी देंगे और कोरोना काल का जिक्र किया कि किस तरह से इन्होंने काम किया तो ऐसे में धमौन गांव में जो जादव समाज यादव बहुल इलाका है उसमें एकदम निश्चित रूप से जो है सो बड़ा जो है सो टूट दिखाई पड़ता है और वह नित्यानंद राय जो लालू देखिए टूट तो नित्यानंद राय भी जादवें हैं लेकिन जो लालू और तेजस्वी का जो कहते हैं कि यादव वोट मेरे साथ है तो वो ऐसे में नित्यानंद राय तो सब ज़्यादा वहाँ के कह रहे हैं कि नित्यानंद राय भी तो ज़्यादा हैं इनको हम लोग वोट देंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे वोट हम हम लोग जाया नहीं करने जा रहे हैं इस बार जो है सो जनता जो है सो जियारपुर की विकास को देख रही है और नित्यानंद राय ने कई सारे काम किए हैं कई सारे वहाँ ग्रामीण गिनवा भी रहे हैं कि ऐसा ऐसा काम हुआ तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से वो जियारपुर लोकसभा सीट में जो है सो जैसे जैसे नज़दीक समय आ रहा है उतना पैनापन उतना धार नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि यहाँ जो विधानसभा का है कि जो बात है छः सीट है विधानसभा की उसमें तीन जो है सो एन के पास में है तीन महागठबंधन के पास में है खुद जो आपको आलोक मेहता जो इनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वह खुद उजियारपुर से आर के विधायक हैं और इससे पहले भी वह एक बार सांसद रह चुके हैं लेकिन नित्यानंद राय के के साथ में एक बड़ी यू बड़ी लेगेसी है कि वह काम करने के लिए जाने जाते हैं और जो है सो सॉफ्ट स्पोकन है बहुत मुलायम बोलते हैं और कोई भी काम कोई भी कभी भी लेके चला जाए तो वो धुमन के लोग ने जिस तरह से बताया और बेहतर ढंग से वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या वहाँ होने जा रहा है और निश्चित रूप से नित्यानंद राय को जो समीकरण है अगर यदि वहाँ डेंट उसमें यादव समाज में लगता है तो वह जो जो लगता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है तो उसमें बहुत बड़ी अब ये नित्यानंद राय के समर्थक वहाँ पर क्या कह रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन के पास में यही रिपोर्ट आ रही है कि नित्यानंद राय जो है सो जितनी बार पिछली बार जीते थे उससे डबल मार्जिन से यहाँ से हम लोग चार लाख से जितवा के भेजेंगे तो यह एक बड़ी बात है वहाँ के लोगों में यह आत्मविश्वास झलक रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है अब हम लोग बात करते हैं समस्तीपुर सुरक्षित सीट की जहां बिहार सरकार के दो मंत्रियों को बेटा और बेटी के बीच में सीधे लड़ाई है निश्चित रूप से देखिए शाम्भुवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ सनी हजारी वह जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के उम्मीदवार हैं कांग्रेस से वहाँ पर उम्मीदवार हैं और सनी हजारी महेश्वर हजारी जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उनके पुत्र हैं तो इसमें दोनों में जोरदार और कांटे की लड़ाई हो रही है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हाँ एक बात जरूर है कि शाम्भूवी चौधरी पासी समाज से आती हैं और सनी हजारी पासवान समाज से आते हैं यह वहाँ पर पासवान का वोट कितना वो ले पाएंगे यह देखने वाली बात होगी क्योंकि सनी हजारी के पिता का महेश्वर हजारी उनके पिता का वहाँ पर लिगेसी रहा है तो ऐसे में कितना वोट डेंट करते हैं कर पाती हैं सांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से हैं और सनी हजारी का जो वह भी जो है सो कहीं ना कहीं रामबिलास पासवान के वह रिश्तेदार भी लगते हैं तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी पासी समाज का जो अपना वोट है शाम्भुवी चौधरी वह अपने पिता के नाम पर अपने नाम पर कितना वोट लोक जनशक्ति पार्टी रामबिलास को दे और दिला पाती हैं यह देखने वाली और कितना वोट जो है सो डेंट कर पाती हैं पासवान में क्योंकि सनी हजारी सामने जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के महेश्वर हजारी के पुत्र उनके पिता उनके दादा का भी जो लेगेसी समस्तीपुर सुरक्षित सीट में रहा है उसमें वह पासवान समाज में कितना वोट डेंट करते हैं कहा जाता है कि समस्तीपुर में पासवानों का संख्या काफ़ी अधिक है बिल्कुल इसीलिए हम कह रहे हैं न कि वो कितना वोट डेंट करेंगे उसी पर मिलेगा नहीं तो यहाँ पर लड़ाई बहुत जोरदार और बहुत मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही अब पांच है अब देखिए पाँच सीट है छः सीट है यहाँ पर विधानसभा का उसमें आपको देखिए कि एन के पास में पाँच महागठबंधन के पास में एक ही है तो ऐसे में एक ही है समस्तीपुर का अख्तरुल इस्लाम सहीन, जो आरजेडी से समस्तीपुर के विधायक हैं लेकिन यहाँ पर टोटल समीकरण आपको कुछ और होता हुआ दिखाई पड़ता है जो एक बड़ी बात है ये अब हम लोग चलते हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय यह भी एक बहुत बड़ा हॉट सीट है बेगूसराय में अपने दर्शकों के लिए आज बता दें कि दो स्टेट के सीएम आज बेगूसराय आ रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेगूसराय आ रहे हैं प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं दोनों हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं दोनों मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह भी हिंदू हृदय सम्राट से जाने जाते हैं नहीं नहीं देखिए वही हम कह कि यह सीट भी गिरिराज सिंह भी केंद्रीय मंत्री हैं यह सीट भी हॉट सीट है यहाँ पर भी देखिए इनका मुकाबला अवधेश राय से है अवधेश राय किस समाज से आते हैं जादो समाज से तो आप देखिए कि पिछले बार भी जो है सो जिस तरह से तनवीर हसन को लड़ाया गया था तनवीर हसन को आरजेडी ने 2019 में यहाँ से उम्मीदवार बनाया था तो यहाँ से उम्मीदवार बनाया था तो उसके बाद भी देखिए वही हम कह रहे हैं एम वाई समीकरण जो होता है उसको दोनों को टेस्ट कर रहा है वो सीपीआई से उम्मीदवार हैं अवधेश राय भी इस बार सीपीआई से कम्युनिस्ट पार्टी से हैं उम्मीदवार हैं तो यहाँ पर लड़ाई में देखिए वैसा कुछ नहीं पिछली बार पिछली बार कन्हैया प्रसाद भी लड़े थे सीपीआई से और तनवीर हसन आर से लड़े थे तो यहाँ ट्रेंगुलर मुकाबला पिछली बार हुआ था लेकिन कन्हैया कुमार दूसरे स्थान पर थे तनवीर हसन तीसरे स्थान पर थे तो यहाँ पर जो है सो आपको लड़ाई त्रिकोणीय है लेकिन त्रिकोणीय था 2019 में इस बार डायरेक्ट फाइट है इस बार डायरेक्ट फाइट है और, और गिरिराज सिंह तो बेगूसराय की जनता जानती है कि हमको गिरिराज सिंह अगर जीत के जाएंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे तो इसलिए उस लिहाज से भी और जनता विकास चाहती है इस इसको देखते हुए निश्चित रूप से और बड़े बड़े कद्दावर नेता प्रचार प्रसार में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एन डी में तो वो ज़्यादा यहाँ पर परेशानी हमको नहीं लगती है दिखाई पड़ती है लेकिन आप देखिए जो रा जो विधानसभा सीट है यहाँ पर सात सीट है विधानसभा का सब जगह छः यहाँ पर देखिए सात है इंडिया के पास में तीन है महागठबंधन के पास में चार है अब देखिए अब इंडिया के पास तीन महागठबंधन के पास चार है तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन होने जा रहा है बावजूद इसके महागठबंधन के पास जा चार जरूर है लेकिन इंडिया के पास तीन रहने के बावजूद यहाँ पर लड़ाई उस तरह से दिखाई नहीं पड़ रही है लड़ाई में निश्चित रूप से अभी तो नहीं कहा जा सकता अभी तो समय है लेकिन यहाँ पर आज प्रचार समाप्ति के बाद अब जो है सो उम्मीदवार डोर टू डोर कंपेन करेंगे लेकिन यहाँ पर गिरिराज सिंह का एज यहाँ पर दिखाई पड़ता है अब हम लोग चलते हैं मुंगेर लोकसभा देखिए यहाँ पर भी मुकाबला जो है सो जोरदार बनाने की कवायद निश्चित रूप से चर्चा इन दिनों मुंगेर लोकसभा के हो रही है बिहार में देखिए उसी कह रहे हैं यहाँ पर भी इसको भी मजबूत लड़ाई बनाने की और दो ध्रुव बनाने की हो रही है पिछड़ा बनाम अपर आप, कास्ट तो यह यहाँ पर निश्चित रूप से आप देखिएगा पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में नीलम देवी कांग्रेस की उम्मीदवार थी और यही राजीव रंजन सिंह जो इस बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आर के सिटिंग एम वही उम्मीदवार थे तो नीलम देवी को वहाँ से शिकस्त खानी पड़ी थी कांग्रेस उम्मीदवार को तो नीलम देवी कौन है अनंत सिंह की पत्नी है तो इस बार टोटल पलड़ा बदल गया है टोटल हिसाब किताब चुनावी गणित यहाँ का मुंगेर का बदल गया है और नीलम देवी अब जो है सो एम हैं लेकिन वो साथ में आ गई हैं ललन सिंह की जेडीयू कैंडिडेट के साथ आनंद सिंह अभी पैरोल पर बाहर हैं और वो भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं बिल्कुल देखिए आनंद सिंह जो है सो छूट छूट के घूम घूम हाँ ठीक है प्रचार प्रसार में वह कुछ नहीं झंडा डंडा बैनर कुछ नहीं लगाए हैं लेकिन बावजूद इसके वह मुंगेर सभा क्षेत्र के लिए अन, आ, ललन सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए तो ललन तो अब नीलम देवी का मंच साझा करना ललन सिंह के साथ आनंद सिंह का घूमना यह पूरा समीकरण को साथ दिया और वहाँ मुंगेर जो है सो भूमिहार बहुल इलाका भी एक तरह से माना जाता है और वहाँ से आप देखिए कि कौन लड़ रहा है आर से महागठबंधन से इंडिया ब्लॉक से अनिता महतो बाहुबली की पत्नी है वो भी वो भी अनिता महतो भी बाहुबली की पत्नी कही जाती हैं मानी जाती हैं और हैं भी उनके पति बाहुबली पर्दे के पीछे से इनके पति जो है सो मदद भी कर रहे हैं और खुल करके भी कर रहे हैं वो समझिए एक तरह से अनीता महतो सिर्फ़ एक दिखाई पड़ रही है बाकी इनके पति ही लड़ रहे हैं बाहुबली तो ऐसे में आप देखिएगा कि जेडीयू में आपको यहाँ पर ललन सिंह को देखिए चुनौती ठीक है मिल रही है कुछ कुछ जगहों पर कुछ स्थानों पर जो इस तरह से चुनावी गणित के लिहाज से जो सर्टेन पॉकेट्स है उसमें लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए यहाँ पर लड़ाई बहुत जोरदार और मजेदार होने फॉरवर्ड बनाने के की अशोक महतो जो कुख्यात अपराधी हैं उनके पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया और वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के वही हम है। बोल रहे हैं ना कि देखिए अनीता महतो तो जस्ट एक सेम्बोलिक है उनके पति जो है सो अशोक अशोक महतो जो हम नाम लेने से बचना चाह रहे थे लेकिन वही जो है सो पर्दे के पीछे से कह लीजिए पर्दे के आगे से कह लीजिए वही जो है सो बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए और डायरेक्ट समझिए कि वही लड़ भी रहे हैं वही लड़ भी रहे हैं अशोक महतो ही लड़ रहे हैं अनिता महतो तो सिर्फ एक सेम्बॉलिक हैं वो लड़ रही हैं तो यह लेकिन यहाँ पर देखिए कि सीट का समीकरण जरा समझ लिया जाए यहाँ पर छः सीट है अब छः सीट में देखिए अब थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि क्या है छः सीट में आपको एक सीट छोड़ करके अजय कुमार सिंह जमालपुर वाले विधायक को छोड़ करके जो कांग्रेस के हैं बाकी सब सीट जो है सो आपको एन डी फोल्ड में दिखाई पड़ता है अब आपको थोड़ा बता दें प्रणव कुमार यादव हैं भारतीय जनता पार्टी से मुंगेर से बीजेपी के अजय अजय अज, 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 कुमार सिंह का बता ही दिए कि जमालपुर से कांग्रेस के हैं सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव भारतीय जनता पार्टी के माने भारतीय जनता पार्टी का जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था तो पाला बदल के वह चले आए थे वह जीते थे आर से वह भी यादव समाज के बड़े नेता हैं तो यह निश्चित रूप से वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी या रखते हैं लखीसराय से खुर खुद जो है सो भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं वह हैं तो यहाँ कहने की बात ही नहीं है नीलम देवी वही हम जो बात कर रहे थे जो पिछली बार 2019 में लड़ी थी ललन सिंह के खिलाफ वह भी जो है सो यहाँ से एमएलए हैं और आरजेडी से थी अब तो पाला बदल करके वह जो है सो एनडीए फोल्ड में आ गई हैं वह जो है सो मकामा से हैं अब बाढ़ के ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञान यह राजपूत समाज से आते हैं निश्चित रूप से इनकी पकड़ इनकी पैठ है और यह आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ के चुनाव में तो ये समीकरण देखने से यह लगता है कि यहाँ पर मुंगेर लोकसभा सीट पर निश्चित रूप से ललन सिंह मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और यह समीकरण हर विधानसभा वाइज भी दिखाई पड़ रहा है तो और आपको ललन सिंह मैनेजमेंट के लिए भी जाने जाते हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से ललन सिंह का जो है सो जो स्थिति दिखाई पड़ रही है अभी बहुत कुछ विन विन के सिचुएशन में ये दिखाई पड़ रहा है पांच सीटों इन पांच सीटों में तेजस्वी यादव भी खूब प्रचार किए हैं उसके बावजूद पलरा एन के पक्ष में दिख रहा है क्या कारण है इसका नहीं देखिए कारण कुछ नहीं देखिए लोग अब विकास चाहते हैं और वह जान रहे हैं विधानसभा का चुनाव नहीं है या लोकसभा का चुनाव है ऐसी परिस्थिति में हम अपने वोट को जाया क्यों करें वोट हमको देना है एन को देना है एन को देने से वहाँ पर केंद्र में सरकार बनेगी क्षेत्र का जो जो जिस लोकसभा क्षेत्र का जो है सो जिस पाँचों सीट पर तो वह विकास होगा तो विकास की ही बात अब लोग करते हैं पलायन की बात ए, करते हैं रोजगार की बात करते हैं तो यह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी कई योजनाएं चल रही हैं तो उस लिहाज से निश्चित रूप से अगर यदि हम नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे एन डी उम्मीदवार को जिताएंगे तो डेवलपमेंट बिहार का होगा और डबल इंजन की सरकार केंद्र और बिहार में रहेगी तो और बेहतर बिहार का विकास हो सकेगा चरण के जो प्रचार हैं वो थम जाएंगे पाँच सीटों के हमने चर्चा की है कौन किस पर भारी है वोटिंग के बाद अब ये पता चलेगा कि आखिर वहाँ किसके पक्ष में जो मतदाता हैं वो जा रहे हैं चार जून को जब मतगणना होगी पाँच सीटों पर कौन जीता वो तो पता चल जाएगा लेकिन अभी हमने पाँच सीटों पर चर्चा की है कि कौन अभी वहाँ किस पर भारी पड़ रहा है बहाल इस में इतना ही आप बने रहें न्यूजफोर्नेशन के साथ